कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट्स 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके आपको बताएंगे मेटल बाजार की जानकारी, मेटल बाजार में एलएमई एमसीएक्स के रेट, साथ ही दिल्ली मेटल बाजार की जानकारी, और साथ ही आप लोगों को बताएंगे मेटल बाजार के साथ, दिल्ली मेटल बाजार के साथ मुंबई मेटल बाजार में किस तरीके से कामकाज हो रहा है इसकी जानकारी देंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ साथ आप लोगों को बताएंगे आप कहां खरीदारी कर सकते हैं, कहां पर बिकवाली कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर का भाव एलएमई में अगर देखा जाए तो $7289 चल रहा है, और एमसीएक्स में रेट इसका ₹623। कल के बाजारों में आज ₹7 की गिरावट दर्ज करी जा रही है। एल्युमिनियम का भाव ₹2407 डॉलर के हिसाब से एलएमई का भाव है, और ₹209 आपका एमसीएक्स का भाव चल रहा है। इसी तरीके लेड का भाव ₹1966 और एमसीएक्स का भाव ₹175 के आसपास है। जिंक के भाव की अगर बात करी जाए तो ₹2942, आब्लिक में अगर एमसीएक्स की बात करी जाए तो ₹271, निकिल का अभी कोई फिलहाल ट्रेड नहीं देखा जा रहा है। गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं तो $1706 और ₹50247 सोने में गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। सिल्वर का भाव $18.61 में चल रहा है और ₹55,589 सिल्वर का रेट ऐसे बाजारों में एमसीएक्स के हिसाब से चल रहा है। तो क्रूड ऑयल के भाव की जानकारी जान लेते हैं। क्रूड ऑयल का भाव $99 हो गया, क्रूड ऑयल में बढ़त दर्ज करी गई और एमसीएक्स का भाव $8176 के पर बाजारों में कामकाज हुआ। चलिए अब बता देते हैं दिल्ली मेटल बाजार में कैसा कामकाज हो रहा है। दिल्ली मेटल बाजार में कॉपर सुपर एचडी का भाव ₹686, कॉपर केबल स्क्रैप का भाव ₹657 रहा, कॉपर आर्मेचर का भाव ₹646, एल्युमिनियम बर्तन का भाव ₹169 पे कामकाज हुआ। आज सारे दिल्ली मेटल बाजार में गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं देखी जा रही है। बाजारों में आने वाले समय में आप और भी गिरावट देख के चल सकते हैं, तो बाजारों में थोड़ा थोड़ा आप खरीदारी करें, बाजारों में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी खरीदारी करके ना चलें। इसी तरीके एल्युमिनियम वायर स्क्रैप का भाव ₹203, एल्युमिनियम पुर्जा का भाव ₹152। एल्युमिनियम पुर्जा के भाव में भी हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है, लेकिन ₹50 के आसपास कहीं बाजार आता है वहाँ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। जिंक हिंदुस्तान का भाव ₹275 रहा, लेड का भाव ₹173, लेड के भाव में निचले स्तर से बढ़त दर्ज करी गई, और अगर बात करते हैं LIBT भाव ₹184 रहा। बैटरी स्क्रैप का भाव ₹93.111, बैटरी स्क्रैप के भाव में भी ₹1 किलो की बैटरी स्क्रैप के भाव में बढ़त दर्ज करी गई। निकिल का भाव ₹1890 पे कामकाज हुआ, टिन रंगा का भाव ₹2320 रहा। अगर ब्रास पीतल की बात कर लेते हैं तो भाव ₹462 रहा, इसमें भी ₹2 किलो की बढ़त दर्ज करी गई। एसएस बर्तन स्क्रैप का भाव ₹60 कामकाज हुआ। तो दिल्ली मेटल बाजार में आपने देखा बाजारों में ऊपरी स्तर से कल जो बाजार बढ़ा था आज बाजारों में करेक्शन के साथ कामकाज हो रहा है, तो बाजारों में खरीदारी करने के लिए थोड़ा सा गिरावट का इंतजार करिए, फिर आप लोग फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। इसी तरीके मुंबई स्पॉट मार्केट में कॉपर केबल स्क्रैप का रेट ₹625 रहा, कॉपर आर्मेचर की रेट की बात करते हैं तो ₹614, ब्रास स्क्रैप का भाव ₹435, एल्युमिनियम यूटेंसिल स्क्रैप का रेट ₹159, जिंक इंगट का रेट ₹281, लेड इंगट का रेट ₹180, टिन इंगट का रेट ₹2313, निकिल कैथोड का रेट ₹1950 पे कामकाज हुआ। अब कॉपर का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जान लेते हैं। कॉपर का सपोर्ट का लेवल ₹638, रेजिस्टेंस का लेवल ₹652। इसी तरीके लेड का सपोर्ट का लेवल ₹172, रेजिस्टेंस का लेवल ₹174। जिंक सपोर्ट का लेवल जानते हैं, जिंक सपोर्ट का लेवल ₹270, रेजिस्टेंस का लेवल ₹280। निकिल सपोर्ट का लेवल ₹1870, रेजिस्टेंस का लेवल ₹1940 देख कर पे कामकाज हो रहा है। तो बाजारों में जो सपोर्ट के लेवल दिए हैं इसके आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस के आसपास अपनी मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। तो मार्केट का ओवरऑल आउटलुक मेटल बाजार में, आप गिरावट पे आप लोग खरीदारी करके थोड़ी थोड़ी खरीदारी करके चल सकते हैं। आगे आने वाले समय में मेटल बाजार में आपको बाजारों में रिकवरी दिखाई दे के चल सकती है। तो खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24।